एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। हियर वी हैव रुपीज 62,500 फॉर टाइम 1.5 इयर्स एट 8% रेट एंड इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाफ ईयरली का केस है, इसे आप दो तरीकों से कर सकते हैं। मैं पहले फर्स्ट तरीका ले रही हूँ। हेयर वी हैव पी, जो जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, रेट एंड टाइम। रेट इज 8%, टाइम इज 1.5 ईयर्स। दिस इज इन फ्रैक्शन। सो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स हाफ हाफ का टाइम लेके सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट जो होगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। कुछ इस तरह से हम निकालेंगे इंटरेस्ट, दैट इज़ पी इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। वी हैव पी, आर एंड टाइम इज हाफ डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लेंगे, 2 4 8। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। आ गया आपके पास 2,500 रुपीज़। वॉट इज़ द अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका ये, और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर बनता है इतना। ऐड कर दीजिए, आपके पास अमाउंट आ गया 65,000। फर्स्ट हाफ ईयर हमने लिया, फर्स्ट वाले हाफ ईयर का अमाउंट जो है वो नेक्स्ट वाले हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। सो वील राइट प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। पी इज इक्वल टू, रेट आपके पास 8% है, टाइम अगेन सेकेंड वाला टाइम हाफ ईयर। फिर से आप इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम प्रोसीजर। आपके पास इंटरेस्ट आया, नाउ अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर आप ऐड करेंगे इसके प्रिंसिपल को प्लस जितना आपने इंटरेस्ट कमाया, ये आ गया आपके पास अमाउंट। अब अमाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट, अब ये लास्ट टाइम आ गया हमारा क्योंकि हम थर्ड टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसके लिए प्रिंसिपल आ गया आपके पास रेट टाइम। सिमिलरली इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम प्रोसीजर एज वी हैव फॉलोड इन द लास्ट टू केसेस। अब मल्टीप्लाई करेंगे 676 को 4 के साथ, आपके पास आ जाएगा 2,704। नाउ अमाउंट फॉर द थर्ड हाफ ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज एंड इंटरेस्ट इज हो गए, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे 40, ये आ गया आपके पास अमाउंट। सो इतना अमाउंट थर्ड हाफ ईयर के बाद आपको मिलेगा। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर में हमारे पास आया था, सेकेंड हाफ ईयर में एंड थर्ड हाफ ईयर में, अब तीनों वैल्यूज़ को कर लेंगे हम ऐड। ये आ गया आपके पास इतने रुपीज़ इंटरेस्ट बनेगा इफ़ दिस अमाउंट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका देख लेते हैं। आपके पास ये अमाउंट दिया है, अब क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है सो रेट हो जाएगा आपके पास आधा, हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है। और टाइम, ये कितने हाफ ईयर बन रहे हैं, हाफ हाफ हाफ, देर आर 3 हाफ ईयर्स। तो सीधा सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए,
amount is equal to P into 1 plus R divided by 100 raised to power N. P की वैल्यू पुट कर लेंगे, R की वैल्यू जो 4% बन जाती है हाफ ईयरली के लिए, एंड हाफ ईयर्स कितने हाफ ईयर है, देर आर 3 हाफ ईयर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, दे आर इवन नंबर्स, डिवाइड में हैं, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 1 4, यहाँ पे आ गया आपके पास 25। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, 25 1 25 प्लस 1 दैट इज 26, ये आ गया आपके पास 62500, 3 टाइम्स पावर है इसकी, ये आ गया आपके पास 26 डिवाइड बाई 25, 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25, ठीक है। 25 का टेबल पढ़ लेंगे हम, से 25 25 सर 625 00, 25 1 25, और ये आ गया आपके पास 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगेन जब आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आएगा 676, 676 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 17576, इसको अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज अमाउंट, हाउ वी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट माइनस पी। इस केस में हमारे पास पी है जो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था, ये आ गया आपके पास 9, ये आ गई, तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। सेम रिजल्ट, तरीके अलग है बट रिजल्ट विल गिव यू सेम। कोई भी तरीका जो आपको सुटेबल लगे यू कैन डू इट योर ओन वे। थैंक यू।